टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक चंद पंक्ति याद आ रही है, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये पंक्तियां बड़ी ही जबरदस्त और मोटी ये पंक्ति है। इसको, इस पंक्ति को आप अपने ऊपर ढाल लीजिए। ये नहीं है कि ये फिल्मों के कोई गाने हैं, गाने हैं तो गानों को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। हम जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस हाल में हैं, जिस चाल में हैं, जिस ढाल में हैं, उस ढाल से निकल करके अब मैं किसी और का हूं फिलहाल, यानी अभी तक हम किसका हूं, बेरोजगारी के दंश में पड़ा हुआ हूं, बेरोजगारी का हो करके रहकर रह गया हूं। अब कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, यानी अब मैं रोजगार की स्थिति में आ जाऊं, वो भी एक प्रशासनिक पदों के रूप में आ जाऊं। मैं ऐसे आज पद की बात कर रहा हूं, मैं आपको आरो यारो के बात कर रहा हूं, यानी हम आज जो पद की बात कर रहे हैं वह पद की बात कर रहे हैं, आरो यारो की बात कर रहे हैं, आरो एंड एआरओ, यानी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आप इसको कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। एक बहुप्रतीक्षित सेवा जो आपको अभी तक इस दौर में, ये जो बेरोजगारी का दौर है, ये जो कोरोना काल है, ये जो आप मानसिक द्वंद में जी रहे हैं, कभी क्या करूं क्या ना करूं, विषम परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित हैं, इन परिस्थितियों में आपके सामने एक सुनहरा मौका आया है, वह समीक्षा अधिकारी का आया है। और समीक्षा अधिकारी के बारे में आपको मैं कुछ बहुत ज्यादा उसकी पावर के बारे में आप स्वयं लोग जानते होंगे, इतना जागरूक हैं कि इनकी हनक कितनी होती है ये आप बखूबी जानते हैं। इस हनक के साथ साथ हमारी बेरोजगारी को छुड़ाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, हमको रोजगार में एक प्रशासनिक पद, जो मेरी दिली तमन्ना है, जो मेरी इच्छा है कि बनूं, वह पद के लिए हमारी पूरी टीम टारगेट विद आलोक का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके साथ समर्पित है। आपकी ही मांग पर हमने क्या किया है, रीओपन किया है, आपके मांग पर इसको पुनः खोला गया है। अभी तक हम लोगों ने जो एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, आपके लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, लगातार आप जो है बातें कर रहे थे कि इसको पुनः ओपन किया जाए, तो 3 दिनों के लिए हम लोग पुनः ओपन कर दिए हैं। और आप इसमें अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करा सकते हैं। ये 3 दिन आपको जो ओपन किया गया है, यह एक सुनहरा मौका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस सुनहरे मौके को आप खो मत दीजिए, आप यूं ही गुजार मत दीजिए। अगर ये पुनः मौका आया है तो निश्चित तौर पर यह आपके स्वर्णिम सपनों को साकार करने के लिए आया है। और उसके साथ साथ, यानी हम लोगों की जो यह विद्वानों और बुद्धिमानों की एक समन्वित जो टीम है, उस टीम के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। टारगेट विद आलोक का यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक विद्वता के साथ बुद्धिमत्ता की बात करता है। हम सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं है, बनाते हैं, और वो भी संस्कार से युक्त आपको शिक्षा देते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा देते हैं, संस्कार से युक्त शिक्षा देते हैं। तो आप, हम
20 अप्रैल से हमारी जो कक्षाएं होगी वो तो नियमित प्रारंभ होगी। अभी मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, इस बैच की विशेषताओं को थोड़ी सी आप विशेषता जान लीजिए और इसके बाद हम आपसे एक एक करके बात करते हैं। अब थोड़ा इस बैच की विशेषता, हमारी जो कक्षाएं होगी यानी जो आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो A6 hours की यानी 6 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएं आपको प्रारंभ होंगी दी जाएंगी, आपके सारे हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी जाएगा, यानी आवश्यकता अगर है तो आपको हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ भी PDF नोट्स आपको दोनों ये जाता है और इससे आप लाभान्वित होते हैं। जो हैंड रिटेन नोट्स होता है वह शिक्षकों द्वारा, जो हमारे विद्युत शिक्षक हैं सभी सब्जेक्ट के हैं, उनके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है कि क्लास में जो हमारा लाइव क्लास होता है इस क्लास के अतिरिक्त भी आवश्यकता अगर पड़ी तो हम लोग लाइव डाउट सेशन लेकर के आएंगे कि आपको इसमें केवल और केवल डाउट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि प्रतिदिन कमेंट ओपन रहेंगे, प्रतिदिन हम लाइव कक्षा लेंगे तो उस कक्षा में आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और उसका प्रॉपर शिक्षकों के द्वारा उत्तर दिया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा उस क्लास के दौरान प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है या कोई ऐसा कारण है तो उसके लिए हम लोग लाइव डाउट सेशन इस बार लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यानी जो चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको टेस्ट कराया जाएगा और यह टेस्ट केवल वैसा ही टेस्ट नहीं होता है कि सिर्फ हम एक नाम मात्र का टेस्ट कराते हैं, इस टेस्ट की महत्ता होती है, इस टेस्ट की अपनी एक गरिमा होती है, अपनी लाघवता होती है कि जिसको हम यह मान करके टेस्ट कराते हैं कि यह प्रश्न आपको एज इट इज आ जाए। तो यानी इस पर भी हम बात करते हैं, इस पर भी बात करेंगे आपसे। इसके अलावा संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, हम प्रश्नों को लेकर के आएंगे और इस पर हम बात करेंगे। 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, यह हमारे संस्थान द्वारा निर्णय लिया गया है कि 100 से अधिक हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे यानी सेट आपको देंगे। इसके अलावा जब आपको एग्जाम का डेट यानी एग्जाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, मैराथन रिवीजन कराएंगे, यानी सभी अपने अपने के विद्वत शिक्षक अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान आपको मैराथन रिवीजन लेकर के वह आएंगे। इसके अलावा हमारी टेस्ट श्रृंखला यानी टेस्ट सीरीज होगी, ये संभावित प्रश्नों की श्रृंखला 100 प्रैक्टिस सेट होंगे और टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे, इसके अतिरिक्त कराएंगे। इतनी विशेषताएं, इतने आप एक एक जगह वो भी ऐसे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर जानिए आपके सपनों को पूरा करने में 100% भागीदार होगा, यानी इसमें कोई इफ बट नहीं है। बस जो मैंने अब कुछ ऐसा कर कमाल, ये तो कुछ कमाल तो होना ही है इसके साथ कि तेरा हो जाऊं, यानी अब आपको जो है निश्चित तौर पे कुछ कमाल करना पड़ेगा, यूं ही नहीं बैठे बैठे चलना है। अब तक बहुत जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन इस कोरोना काल में और इस चुनावी सेशन में निश्चित तौर पे अपनी कमर को कस लीजिए, निश्चित तौर पर आप जो है आगे आइए। अगर ये मौका छूटा तो पुनः मौका मिलने वाला मौका ही रह जाएगा, यानी जो आपका मौका है, जो सुनहरा पल है, वह कैसे व्यतीत हो जाता है, वर्ष बीतते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब हम लड़के थे, कब हम युवावस्था के उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए जहां से अब तीसरेपन की स्टार्ट होता है, ये पता ही नहीं चलता है। और आप पढ़ते पढ़ते आप इसी में रमे रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ, एक महत्वपूर्ण विद्युत शिक्षकों के साथ
अगर आपको यह अवसर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर इस अवसर का आप लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर आप इसको ज्वाइन करिए और आप देखेंगे कि यह सिर्फ कथन नहीं है, यह सिर्फ वचन नहीं है, यह सत्य के एकदम करीब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी हम लोग, यानी हमारी जो पूरी टीम है, वह पूरी टीम रवि सर के नेतृत्व में, आपको पूरी की पूरी टीम आपको लगी हुई है और सभी लोग अपने अपने विषय को लेकर के निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करने वाले हैं। मेरा जो इसके अतिरिक्त मेरा जो सेगमेंट होगा उसके बारे में, यानी हमारा जो सेगमेंट होगा वो सेगमेंट हिंदी का होगा। तो हिंदी की अभी मैं भूमिका आपको बता रहा हूं, हिंदी की महत्ता आपको बता रहा हूं। इसके पहले मैं संस्थान के द्वारा जो आपको आपके लिए सुनिश्चित नंबर किया गया है कि ये जो नंबर है आपको जो दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप एंट्री आरओ लिख करके भेजिए ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। आप फ्री टेलीग्राम है उसको आप निश्चित तौर पे ज्वाइन करिए, इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। आपको जो स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके इस प्यार के लिए, इस लाड के लिए, इस दुलार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कॉल किया कि मुझे पुनः रीओपन करना पड़ा। यानी कि हम जो है अपने पुनः नंबरों को रीओपन किए ताकि आप एडमिशन की प्रक्रिया सुनिश्चित करा लें। और अभी तक जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें अच्छा खासा आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का योगदान रहा और मुझे ये लगा, यानी हमारी संस्था को लगा कि वास्तव में आप लोग एकदम तत्पर हो गए हैं, एकदम कमर कस लिए हैं, इसलिए हम पुनः इसको रीओपन कर रहे हैं। हमारी जो कक्षाएं होंगी वो कक्षा जो प्रारंभ हो रही है वह कक्षा 20 अप्रैल से आपको प्रारंभ हो जाएगी। आप ये अभी तक जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वह ये सोचें कि 20 अप्रैल से इनको सभी कक्षाएं नियमित रूप से आपको मिलने लगेगी, यानी नियमित रूप से हम लोगों की 20 अप्रैल से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और आपको मिलने लगेगा। एक 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 करके हम लोग बात करते चले जाएंगे और सारी समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। अभी तक अभी जो समस्या आपके मन में है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब सारी समस्याएं आप देखिएगा 20 अप्रैल के बाद से आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। वह जिस दिन आप एडमिशन ले लेते हैं वह आपकी समस्या नहीं रहती है, वह मेरी समस्या बन जाती है। जब तक आप एडमिशन नहीं लिए हैं तब तक वह आपकी प्रॉब्लम है, आपको कैसे मैनेज करना है। लेकिन जिस दिन आप मेरे विद्यार्थी बन जाते हैं, मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, मेरे हृदय स्पर्शी बन जाते हैं, मेरे लाडले बन जाते हैं, उसी दिन निश्चित तौर पर वह मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मेरी यह मेरा दायित्व हो जाता है कि आपका सिलेक्शन कैसे करवाया जाए। और सिलेक्शन करवाने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। यूं ही नहीं कि आप बस और बस पढ़ते जाइए, पढ़ना ही सब कुछ कला नहीं है, उसको एक स्ट्रेटजी के द्वारा जब हम आपके सामने आते हैं तब जाकर के सफलता का मार्ग सुनिश्चित होता है। आप लोग के एक प्रसिद्ध कथन है, एक प्रसिद्ध कहानी मिलती है, आप लोग सुने होंगे, वह चाणक्य की कहानी मिलती है। कहीं कहीं खीर का उदाहरण मिलता है और कहीं कहीं रोटी का उदाहरण मिलता है। चाणक्य जो है वो बार बार अपनी जो बुद्धिमत्ता से लेकर के आक्रमण करता है तो वो बीच पर आक्रमण करता है तो एक महिला, बूढ़ी महिला, उसका बच्चा जो है वह रोटी जो है, कहीं कहीं मैंने बताया रोटी कहीं खीर का मिलता है, तो खीर जो है बीच से ही तुरंत वो हाथ डाला और जो डाला तो वो जल गया, उसकी जीभ भी जल गई। तो उसकी मां ने कहा कि क्यों तुम चाणक्य हुए हो क्या कि जो बीच से तुरंत और बीच से डाले, अरे धीरे धीरे किनारे से ठंडा करते हुए खाओ,
तो तुम्हारी जीभ नहीं जलेगी, ना ही तुम्हारा हाथ जलेगा। चाणक्य उस रास्ते से गुजर रहा था और जब ये बातें सुना तो उसको लगा, ओह क्या मैं इतना विद्वान होकर के भी ये गलतियां कर रहा हूं, एक साधारण सी महिला जो है मुझे ये सीख दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि केवल पढ़ना, केवल विद्वान होना ही मतलब नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। तो उस रणनीति को अपनाने के लिए आपको रणनीतिकार के पास जाना होगा, यूं ही नहीं आता है। और हमारे जो शिक्षक हैं, जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो विद्वत शिक्षक हैं, जो एकदम परिपूर्ण हैं, सफलता दिलाने में कोई सानी नहीं है इस टारगेट विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, आज तक कभी ये हुआ ही नहीं है कि आप, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, वो कोई क्लास का मेरा नहीं है कि मैं क्लास में ही बोल रहा हूं, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे हमारे यहां एडमिशन लिए हैं उनकी सफलता रेशियो आप सुनेंगे तो बड़ा हतप्रभ होगा। यह हम लोगों की टीम वर्क की जो भावना है, हम लोगों की जो रणनीति है, वह उसका परिणाम होता है और आपकी सफलता ही हमारे मानक होते हैं। तो उन्हीं मानकों के अनुरूप हम लेकर के आरओआरओ का बैच आए हैं। निश्चित तौर पे अपनी सीट को आप सुनिश्चित कराइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं उसमें हिंदी का सेगमेंट देखूंगा और हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अगर मैं ये कहूं कि ओवरऑल अगर मैं आपसे, आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। मैं ये कहूं सिर्फ हिंदी के बदौलत ही आपको मैं सिलेक्शन दिला दूंगा तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं, पब्लिकली ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जी हां, बोल सकता हूं। मैं एकदम, आप इस, जो भी मैं मानकर चलता हूं कि जो इस परीक्षा को देता है वह एक धीर गंभीर छात्र एवं छात्रा है। यूं ही नहीं है कि वह बस उठा और जाकर के फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दिया हो जाएगा। वह एक गंभीर छात्र है, एक गंभीर छात्रा है जो तैयारी कर रही है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पता होता है, एक सतही ज्ञान पता होता है। इस आधार पर मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि बस आप उठिए, आप एक भी अक्षर कुछ भी मत करिए और केवल हिंदी पढ़ लीजिए, ऐसा होगा। लेकिन जो भी छात्र छात्रा अगर थोड़ा सा गंभीर है तो सिर्फ हिंदी के बदौलत ही वह सिलेक्शन पा सकता है। आप देखिए, आपको 140 क्वेश्चंस जो है वो क्या पूछे जाते हैं, 140 प्रश्न जो हैं वह जीएस के रहते हैं, एक बड़ा पार्ट है नो डाउट, 140 क्वेश्चंस के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपको 60 क्वेश्चंस हिंदी के रहते हैं, 60 प्रश्न क्या हैं वह हिंदी के रहते हैं। अब आप टोटल देखेंगे तो ये 200 प्रश्नों का एक श्रृंखला हुआ कि जिसके द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है, ये जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है इसके द्वारा। आप ये देखिए, ये जो 60 प्रश्न हिंदी का है, हिंदी का, हम ये कह रहे हैं सिर्फ इस हिंदी की बदौलत अब सिलेक्शन आपको दिलाना यह मेरी जिम्मेवारी है। आप कैसे ऐसा, आपको इसमें प्री के लेवल पर 6 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। आप इन 6 टॉपिक को देख लीजिएगा, अभी मैं उन 6 टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यहां पर आप देखिए, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 टॉपिक है तो स्वाभाविक सी बात है ये 60 प्रश्न हो गए हैं। अब ये 60 प्रश्न में, यह मैं पंडित अमरेश भट्ट, यह आपको कहा जाता है मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, यह वादा तो नहीं कर रहा हूं लेकिन यह निश्चित तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी मेरा विद्यार्थी होगा इसमें से 55 प्रश्न से वह कम नहीं करेगा जो सही होगा।
55 प्लस वो सही करेगा। मैं कभी कभी तो देखा हूं कि मेरा छात्र पढ़ाया हुआ वह 60 में से 60 करता है, कोई 58 कर लेता है, कोई 57 करता है, कोई 59 करता है। बहुत सारे ऐसे छात्र, पेपर पर भी निर्भर होता है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट आ गया तो वह 55 पर रह गया, बहुत ज्यादा क्लिष्ट आ गया तो वह 50 प्लस पे हो जाता है, लेकिन इससे कभी नीचे नहीं गया है। कोई भी मेरा छात्र या छात्रा जो भी है, जो सिलेक्शन बहुत ज्यादा लिए हैं आरओ यारओ में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है, आपको अगर मान लीजिए मैं ये 55 भी नहीं कर रहा हूं, मैं 50 भी नहीं कर रहा हूं, अगर मैं 53 प्रश्न ही यहां से कर लेता हूं, सही कर लेता हूं, तो हमको कितना करना रहेगा। जब भी अगर हम बात करें तो एक फैक्ट के आधार पर कॉन्सेप्ट विकसित करें तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यानी कि 2017 की अगर कट ऑफ देखिए माइनस मार्किंग के सहित, तो 122 प्लस गई थी, लगभग इतनी ही गई थी, 122 प्लस गई थी। 2016 का जो अभी इसके विगत में एग्जाम हुआ है, इस 2016 का कट ऑफ जारी नहीं हुआ है कि कितना गया है। तो माइनस मार्किंग में 122 प्लस से गया हुआ है। हम बहुत अगर कहते हैं तो मान लेते हैं कि 125 लोक सेवा आयोग के द्वारा जिसका है उसका चयन हो जाता है या हो जाएगा। आप ये नहीं है कि बस ये मैं मानक निर्धारित कर दिया, कभी बढ़ भी सकता है, कभी और कम भी आ सकता है। हम 125 मान लेते हैं। एक अगर हम आपको इसके पहले कितना मैंने आपको बताया था, 53 क्वेश्चंस मैंने क्या बताया कि हिंदी में आप प्राप्त कर ले जाते हैं। 125 में से अगर माइनस 53 कर ले जाइए तो यहां 5 में 3 या 2 ये होते हैं, और यहां 12 में 5 या 7 यही तो होंगे, 72 क्वेश्चन होंगे। यानी अगर 72 प्लस हम कहां ले आते हैं, 140 में से लाते हैं, 72 प्लस लाते हैं, 72 सात दूना 14 140, 144 हो जाएगा, लगभग 50%। अगर जीएस में लगभग 50% प्लस, अगर यहां मैं नहीं कहता हूं, अगर आप ओवरऑल 60% ला देते हैं, 55% ला देते हैं यहां पर जीएस में, तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। प्रीमियम 100% आपको बता रहा हूं कि केवल एक सब्जेक्ट यानी केवल और केवल हिंदी आपको सफलता दिला सकता है, ये गारंटी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सारे आप बच्चे नहीं हैं कि आपको मैं वैसे कह सकता हूं कि हां ऐसा है, आपको कोई हम भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आप सभी आप एक गंभीर छात्र एवं छात्रा हैं, आप स्वयं एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके विगत पहले भी आपके जो बहुत मोस्ट सीनियर होंगे उनसे भी आप बात कर लीजिएगा, तो आपको यह रिजल्ट सामने आएगा कि अगर जिस बच्चे का हिंदी तैयार है वह बच्चा निश्चित तौर पर वह सफल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आइए हम जो है अब अपने विषय पर बात करते हैं, यानी हिंदी के सेगमेंट पर क्या क्या टॉपिक शामिल हैं उस पर हम बात करते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी में प्री लेवल पर 6 टॉपिक शामिल किए गए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वह विशेष विशेषण को शामिल किया गया है, यानी इसमें जो है विशेष्य हैं और विशेषण हैं, ये टॉपिक हमारे निर्धारित किए गए हैं आप लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त वर्तनी
एवं वाक्य शुद्धिकरण की बात की जाएगी, वाक्य शुद्धिकरण की बात की जाएगी। तीसरे टॉपिक पर हम देखते हैं तो तत्सम शब्द देखते हैं और तद्भव शब्द देखते हैं। इसको भी बड़ा ही डिटेल से, बड़ा ही रोचक तरीके से पढ़ा जाएगा। चौथा अगर हम बात करें तो विलोम की बात कर सकते हैं, और पांचवा हम पर्यायवाची की बात कर सकते हैं, पर्यायवाची। और छठा जो हम बात कर सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बात कर सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये छह टॉपिक आपके निर्धारित किए गए हैं। मैंने भी देखा और आपने भी देखा, यहां तक तो सही है, विशेषण को तो सही है, लेकिन बातें फंस जाती हैं विशेष्य में, बातें फंसती हैं ये वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण में। कुछ हद तक तत्सम तद्भव को पहचानने में, और इससे भी कम विलोम में, पर्यायवाची में तो फिर पूछ मत, आपके सामने समस्या बन जाती है कि इसको याद कैसे करें, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा आपको कि ये बातें थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इन विषयों पर भी, इन विषयों की, इन जो टॉपिक है इसकी गंभीरता को समझते हुए हम लोग बात करते हैं। जो विशेष्य है और जो विशेषण है वो क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हमको विशेषण समझना पड़ता है, पुनः हम विशेष पर आते हैं। तो विशेषण हमारे चार प्रकार के होते हैं, आपको पता है। इसके बाद विशेष्य आते हैं। साधारण तौर पर अगर हम विशेष्य को कहें तो विशेष्य को हम संज्ञा कह सकते हैं या नाम कह सकते हैं। विशेष्य को डायरेक्ट हम कह सकते हैं अभी आपको समझाने के लिए, बाकी हम डिटेल आपको बताएंगे। मान लीजिए अगर कमल है तो ये विशेष्य है, मैं अमरेश हूं तो ये विशेष्य है, नाम है। अगर आपका नाम राधा है तो विशेष्य है, आपका नाम सीता है तो आप विशेष्य हैं। यानी आपका नाम अग्निदेव है तो विशेष्य हैं, विशेष्य हैं। अब वो अलग बात है कि इसका विशेषण कुछ होगा, तो कैसे बनेगा। पहली बात, सबसे समस्या आपके सामने है कि इसका निर्माण कैसे होगा, फंक्शनिंग कैसे होगा, इस पर भी बात किया जाएगा। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण की श्रृंखला को मैंने प्रारंभ किया है, इसके विगत की वीडियो में पहले आप जाएंगे तो मैं आपको इसको बताया हूं, इसके बारे में हम बात कर रहा हूं और इसके बारे में भी अभी बात करता रहूंगा। बात जाएगी आपको, अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, अगर उठी गया है तो निश्चित तौर पर लेकर के चला जाएगा, देखा जाएगा। हम जब तत्सम एवं तद्भव शब्द पर बात करेंगे तो इस तत्सम एवं तद्भव शब्द में भी आपके सामने ये बात आती है कि कैसे ये तत्सम होगा, कैसे ये तद्भव होगा। तो आपको कुछ बातें तो ठीक है कि हमको पुनर्पुनर्प अभ्यास करना पड़ता है,
लेकिन कुछ ऐसे नियम के द्वारा हम समझेंगे कि जिसके हम ये जान जाएंगे कि भाई ये क्या है, तद्भव शब्द ही है, तत्सम शब्द नहीं है। हम ये कैसे जानते हैं कि भाई ये जो है दाख जो है ये तद्भव ही होगा? हम कैसे जानेंगे कि यह जो आंगन होगा ये तद्भव ही होगा? कैसे हम ये जानेंगे ये सांप जो होगा वह तद्भव ही होगा? कैसे हम जानेंगे ये जो कचहरी है ये तद्भव ही होगा? कैसे हम ये जानेंगे कि अगर ये बांसुरी है तो ये तद्भव ही होगा? हम कैसे जानेंगे? हमको आखिर ये कैसे पता हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर शब्द लिखा गया है यहां पर कोकिल लिखा गया है तो हम कैसे जानेंगे कि यह तत्सम ही है? किस प्रकार से जानेंगे? हम किस प्रकार से जानेंगे कि आपका जो अक्षी लिखा गया है यह तत्सम ही है? कैसे हम जानेंगे कि कंकड़ जो है यह तत्सम ही है? कैसे हम जानेंगे कि ये जो कुकुर है ये तत्सम ही है? कैसे जानेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसको लेकर के भी बात किया जाएगा कि कैसे ये समझा जाएगा, विस्तृत तौर पर बात होगी, यूं ही नहीं होगा। हम विलोम को देखेंगे, विलोम को कैटेगराइज करके डिवाइड करके पढ़ा जाएगा, पर्यायवाची को देखा जाएगा कि कैसे समझा जाए। पर्यायवाची एक ही शब्द के अगर दूसरा पर्याय है तो उसको कैसे समझा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। और वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी देखा जाएगा कि अगर एक शब्द आ रहा है, कोई बड़ा वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द आ रहा है तो कुछ रिलेट है कि नहीं, कुछ रिलेशन है कि नहीं, इस रिलेशन को भी समझा जाएगा। और प्रयास किया जाएगा कि आपको ये बातें बताई जाएं, आपको ये बातें समझाई जाएं और आपको ये बातें याद कराई जाए। तो इस रूपों में भी हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, यानी पूरे टॉपिक पर कहीं एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। आप ये जान लीजिए कि निश्चित तौर पर अगर आप इतने टॉपिकों को, ये जो आप टॉपिक है तो इसको तैयार मेरे साथ करते हैं तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि आपको 53+ यहां पर आना ही आना है, चाहे आप किसी भी रूप में आप रहिए। मैं 53+ की बात करता हूं कि ये मेरे साथ तैयारी करने वाला छात्र वो निश्चित तौर पे थोड़ा मेहनत कर देगा तो इससे और भी अधिक आएगा। कहां तक आ सकता है ये आपको भी अंदाजा नहीं है और ये मुझे भी अंदाजा नहीं है। आपके 60 में 60 आ जाएंगे, ऐसा होता है, पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो ये आज के बारे आप थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में बताया, हालांकि मेरी वीडियो जा रही है वर्तनी शुद्धिकरण पर, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं और इसमें बड़ा अस्थाई रूप से मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि स्लो बट श्योर विंस द रेस, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी आप धीरे धीरे चलते हैं बट सतत चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होते हैं। तो कामयाबी की तरक्की में अगर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी इस कामयाबी की तरक्की में, इस कामयाबी के अवसर को आप लाभ उठाएं और आगे बढ़ें।
ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः जो हमारा वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक चल रहा है मैं उसको लेकर के आऊंगा और आपसे उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद।